हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देखो, पिछली सीरीज में हम लोगों ने सीए कोर्स के अंदर में सीए फाउंडेशन का क्या क्या पैटर्न होगा, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगा, पासिंग परसेंटेज क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज की क्लास में मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, सीए लेवल का इंटर और फाइनल का डिस्कशन करेंगे। क्या प्रोसेस है, क्या फीस लगेगा, क्या तरीका है, मार्किंग स्कीम क्या है, पासिंग परसेंटेज क्या है, कुछ एग्जम्पशन भी अगर है इसमें तो कैसे मिलेगा, हम उनके बारे में देखेंगे। तो देखो, मैंने आपको बताना है कि पहले तो आपको मैं फीस बता दूं कि जैसे फाउंडेशन में मैंने 9400 का बताया था, अगर आप इंटर लेवल में एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 15,000 रुपीज चार्जेस लगेंगे। ये हो सकता है कि फ्यूचर में चेंज हो जाए, आपको ICI.org साइट पे जाके आप उनको चेक कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल आपका जो फीस इंटर का है वो 15,000 है। और उसी तरीके से फाइनल का जो आपका चार्ज है वो आपका 22,000 है। ये इंटर मतलब इंटर में दो ग्रुप होते हैं, 1 और 2, दोनों का मिलाकर टोटल चार्ज आपका इतना है, फाइनल का आपका 22,000। आप उनके जब साइट पे जाएंगे तो वो कहते हैं कि इंटर में भी ग्रुप 1 का अलग एडमिशन करा लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, 2 का अलग करा लो, तो वहां चार्जेस बढ़ जाते हैं। इंटर ग्रुप 1 में 11,000 है, ग्रुप 2 में 11,000 सॉरी, तो फिर 22,000 हो जाएगा। क्यों पे करेंगे जब हमें सीए करना ही है, तो पूरे इंटर का एक ही बार में 15,000 आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है। उसी तरीके से फाइनल का 22, हम इसको ऑप्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट से आपको समझाने की कोशिश की है कि सीए इंटर में आने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप फाउंडेशन जो आपने पास किया है, सीए फाउंडेशन अगर आपने पास किया है तो आप यहाँ पे इंटर में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है डायरेक्ट। अभी हम इसको अलग से बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लें। उन बच्चों का जो फाउंडेशन के बाद आना चाहते हैं तो आपको इंटर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कब कराना होगा, तो ये रजिस्ट्रेशन कराने का जो डेट है मेरे बच्चे, वो हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। कहा गया है कि देखो, इंटर में जब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन डेट पे और जो आपका एग्जाम डेट होगा इसके बीच में एटलीस्ट 8 complete months का गैप होना चाहिए, 8 महीने का गैप होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो एग्जाम का डेट पड़ेगा इसके बीच में एटलीस्ट 8 months का गैप आपका होना चाहिए। मंथ्स काउंट किया जाएगा, मतलब कि अगर जैसे मान लो आपको मई अटेम्प्ट देना, जैसे मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि इंटर का एग्जाम भी साल में 2 बार होगा, फाइनल का एग्जाम भी साल में 2 बार होगा, आपका मई और आपका नवम्बर। तो मेरे बच्चे, मई अटेम्प्ट के लिए अगर आप मान लो एडमिशन कराना चाहते हो तो 1 सितंबर ऑफ लास्ट ईयर, मतलब इस मई के पहले का जो सितंबर आएगा, बिना किसी डाउट के पिछले वर्ष में आएगा, उस साल के जो 1 सितंबर होगा उस समय तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी कि 1 सितंबर ऑफ लास्ट ईयर में एडमिशन कराएंगे तो मई अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपका नवम्बर अटेम्प्ट का एग्जाम देना है, अगर आप नवंबर अटेम्प्ट या उसके बाद का एग्जाम देना चाहते हैं तो 1 मार्च ऑफ करंट ईयर में आपको एडमिशन कराना होगा। मतलब अगर मान लो नवंबर 2019 में हमें एग्जाम देना है तो हमें 1 मार्च 2019 तक में हमें करना होगा, तभी तो 8 मंथ्स का गैप यहां पे हो पाएगा। ये डेट फिक्स्ड है मेरे बच्चे, इस डेट को या उसके पहले एडमिशन हो, इसके बाद तो फिर यहां नहीं, फिर अगले अटेम्प्ट में आप चले जाओगे। उसी तरीके से मान लो मई 2020 में एग्जाम देना चाहता हूं तो मुझे 1 सितंबर 2019 लास्ट ईयर का इस समय तक आपको एडमिशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, अभी यही है। अगर फ्यूचर में कभी कुछ चेंज होता है तो आप उनके साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपका इसी तरीके से काम चलेगा। 8 मंथ्स का गैप यहाँ पे चाहिए होने के लिए। अब होगा क्या मेरे बच्चे, फाउंडेशन पास किया आप इंटर में आए तो इंटर में आपने रजिस्ट्रेशन कराना होगा इस डेट के पहले, जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से। फिर आप क्या करोगे, अब उसके बाद आप एग्जाम दोगे या तो इंटर के ग्रुप 1 का एंड 2 का दोनों का एक साथ, या फिर अलग अलग, आपकी मर्जी है। सीए इंटर में 2 लेवल होते हैं, 2 लेवल में, इवन फाइनल में भी आपके जो 2 लेवल होते हैं, तो एग्जाम जो है मेरे बच्चे दोनों ग्रुप का एक साथ भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। सर, दोनों के फायदे घाटे आगे डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर में, लेकिन पहले सुन लो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। आपकी मर्जी है, या तो ग्रुप 1 का एग्जाम दे दो या फिर ग्रुप 2 का, या फिर दोनों दे दो। मैं सजेस्ट करता हूं या तो दोनों ग्रुप दीजिए या फिर पहले ग्रुप 1 देना,
पहले ग्रुप टू नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, बट एक्चुअली क्या है कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं मेरे बच्चे, इसलिए अच्छा होगा। ऐसे तो आपका जो रूल है या तो वन का एग्जाम दीजिए या फिर टू का या फिर दोनों दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये आपके पास हमारा होगा। अब होगा क्या कि आपने जब ये एग्जाम दे दिया तो या तो कोई एक ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप, ग्रुप वन हो चाहे टू हो या फिर दोनों ग्रुप, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या किया या तो दोनों में से कोई भी एक ग्रुप निकाला या दोनों ग्रुप निकाला, उसके बाद आपको क्या होगा कि यहां पे आपको एक ट्रेनिंग करना पड़ेगा ICITSA। सर ये क्या है आपका इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। एक्चुअली यहाँ पे कंप्यूटर का और आपको कम्युनिकेशन पे एक कोर्स इंस्टीट्यूट कराता है, ये बड़ा अच्छा उन्होंने नया चीज स्टार्ट किया मेरे बच्चे, 4 वीक्स का वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और साथ ही साथ 3 साल की आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। रिपीट कर रहा हूँ, फाउंडेशन से आने वाले बच्चे इंटर में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन डेट मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे एग्जाम देंगे जी। एग्जाम कब देंगे तो जो रजिस्ट्रेशन किया उसके हिसाब से आपका एग्जाम का डेट पड़ेगा, उस दिन पे या उसके बाद का एग्जाम आप दे सकते हैं जब भी पड़ेगा। तो कहते हैं कि भैया आपको क्या करना है जी, अपीयर करना या तो दोनों ग्रुप का या फिर एक एक ग्रुप का, चाहे आप दोनों ग्रुप पास कर लो चाहे किसी एक ग्रुप को पास कर लो, उसके बाद आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल को आपका जो 4 वीक का होता है इसको कंप्लीट करना होगा और 3 साल का ट्रेनिंग। इसको कंप्लीट करने के बाद मेरे बच्चे फाइनल के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ध्यान रखें इवन 2.5 साल की जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, 3 साल में अगर आपने 2.5 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद ही फाइनल के लिए आप अपना यहाँ पे इनरोल करा सकते हो, फिर फाइनल का एग्जाम देंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली जब बच्चा इसके आगे बढ़ता है तो अपने आप फिर बातें समझ में आ जाती है कि कैसे क्या होगा, फिर काम चल जाएगा। तो मतलब मेन हमें समझने वाली बातें यहां तक होती है, इंटर के बाद फाइनल अपने आप आपको सारी बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। ऐसे पैटर्न उनका भी यही है, या तो अलग अलग या एक साथ दीजिए और आगे की बात। ये हो गया फाउंडेशन से बढ़ते हुए आपका, सर डायरेक्ट एंट्री थोड़ा सा रुक जाओ, पहले इंटर में हमें पढ़ना क्या क्या है मेरे बच्चे, 2 ग्रुप यहां पे 1 एंड 2, ध्यान दीजिए। पहला ग्रुप में अकाउंटिंग आपका है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, लॉ के बारे में फाउंडेशन में भी था, यहाँ पे और एडवांस लॉ आपको पढ़ना होगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग सिखाया जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिखाया जाएगा। टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी आपका इंडायरेक्ट टैक्स, उसके बारे में डिस्कशन कराया जाएगा, अच्छे लेवल की पढ़ाई यहाँ पे। फिर ग्रुप टू में फिर से अकाउंटिंग का, यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग है और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे यहाँ पे, डिटेल डिस्कशन कोई फायदा नहीं है, बस मेरा मोटिव है कि आप सीए कोर्स को तरीके से समझ लें, जब आप इस कोर्स में एंट्री करेंगे अपने आप सारी बातें क्लियर होते चली जाएंगी। ऑडिटिंग पढ़ना होगा, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये थ्योरी है, ये भी बहुत हद तक थ्योरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ये आपका प्रैक्टिकल है। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे एक थ्योरी है, 3 प्रैक्टिकल है, यहाँ पे आपका क्या है जी, 1 और 1 2 आपका प्रैक्टिकल है, 2 थ्योरी यहाँ पे मोर और लेस आपका, ये आपका ग्रुप आपका है। एग्जाम चाहो तो 1 का पहले दे दो, चाहे तो 2 का दे दो, चाहे किसी का दे दो, या फिर दोनों का भी एक साथ दे सकते हैं। दोनों एक साथ देने में, अलग देने में क्या घाटा फायदा, मैं उसका डिस्कशन अभी करूंगा, लेकिन फिलहाल अगर आप एक ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छा होगा पहले ग्रुप 1 दीजिए, फिर आप ग्रुप 2 का पेपर करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ये तो हमारा हो गया जी, अगर हम सीए फाउंडेशन के थ्रू जाना चाहते हैं तो हम में से कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएट है, और फिर हम चाहते हैं कि हम सीए के अंदर में एंट्री करें। तो मेरे बच्चे, जो बच्चा ग्रेजुएट है कॉमर्स में विद 55% मार्क्स एटलीस्ट, रिपीट कर रहा हूं, अगर आप कॉमर्स सेगमेंट से ग्रेजुएट हुए हो और आपका 55% मार्क्स अगर एटलीस्ट है तो फिर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो सीए इंटर में, फाउंडेशन का एग्जाम फिर आपके लिए नहीं है, आप डायरेक्टली इंटर में एडमिशन लेंगे, पहली बात। या फिर कोई बच्चा अगर मान लो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आर्ट्स या फिर साइंस से आपका है, और वो हमारे सीए को ऑप्ट करना चाहता है ग्रेजुएशन कोर्स के बाद, तो मेरे बच्चे आपको 60% एटलीस्ट आपका होना चाहिए आपके एग्जाम में। तो 55% हो गया जी कॉमर्स वालों के लिए, 60% हो गया नॉन कॉमर्स वालों के लिए, और वो यहाँ पे डायरेक्टली इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इनका जो रूल होगा और आपका जो रूल होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मैं बताऊं क्या। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट 55 या अदर आपका 60, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली वो इनरोल होगा किसके लिए जी, सीए इंटर के लिए।
सीए इंटर के लिए कब इनरोल होंगे, तो मेरे बच्चे इसके हिसाब से आप कर सकते हैं, इसके हिसाब से। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना आपने कि एडमिशन लेते ही आपको 4 वीक्स ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल को पहले कंप्लीट करना है। ध्यान दीजिए यहां पे क्या था जी, यहां पे आपने या तो 1 या 2 ग्रुप निकाला या दोनों निकाला, उसके बाद आप इस ट्रेनिंग को कर रहे हो, उसके बाद मेरे बच्चे। लेकिन यहां पे पास करने का वेट नहीं करना, एडमिशन लेते ही पहले आपको क्या करना होगा, यहां पे इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होगा 4 वीक्स का, और साथ ही साथ 9 मंथ्स का आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट करना होगा। यानी कि आप देखो, इनका ट्रेनिंग जो 3 इयर्स का था ये कंप्लीट होने के बाद, लेकिन आपका एडमिशन लेते ही पहले 9 मंथ्स का ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा और फिर ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। दोबारा सुनिए, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे आपका फाउंडेशन पास करने के बाद इंटर में आए, इंटर में क्या किया उन्होंने, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप या दोनों ग्रुप निकाला, फिर वो आपका ट्रेनिंग करेंगे 4 वीक्स का और 3 इयर्स की ट्रेनिंग आपका है। लेकिन मेरे बच्चे, जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हैं और वो ग्रेजुएट आपका है, तो उनको एग्जाम देने के पहले, ये एग्जाम देने के पहले, इसमें अपीयर होने के पहले ही आपको 4 वीक का आपका ट्रेनिंग और 9 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम दे सकते हो इंटर का, ग्रुप 1, ग्रुप 2 या फिर दोनों। ये दोनों में फर्क आपका है। हाँ, जो 3 इयर्स की ट्रेनिंग आपका है इनका, ये 3 इयर्स का ट्रेनिंग टोटल आपका भी है, 3 में 9 मंथ्स की ट्रेनिंग आपने यहां पे कर लिया, बाकी ट्रेनिंग ही आगे आपको कंटिन्यू करना है। ये यहां पे एक दिया गया आपको बेनिफिट कह दो। या अभिषेक, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए बड़ा अभिशाप हो गया कि पहले ट्रेनिंग करना है, पहले ये करना है। मेरे बच्चे कुछ नहीं, उन्होंने इंस्टीट्यूट ने ऐसे बनाया है, आपको करना पड़ेगा। इनको भी फिर इंटर में आके इसी तरीके से पेपर आपको देने, समझ मेरी बात। यहाँ पे सारे रूल ठीक है, सेम है, बट आपको एंट्री के बाद ही पहले आपको ये कंप्लीट करना है, साथ ही साथ 9 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, उसके बाद ही जो डेट पड़ेगा इसके मुताबिक आप वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका हुआ इनके लिए। एक चीज और बता दूं मैं, अगर कोई बच्चा ICSI मतलब CS कोर्स या फिर CMA कोर्स का इंटर कंप्लीट कर चुका है, अगर आप CS या CMA कर रहे हैं और आप उसका इंटर कंप्लीट कर चुके हैं, CS का एग्जीक्यूटिव और CMA का इंटर, तो उस केस में आप भी डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं CA इंटर के अंदर में। मतलब आपको भी फाउंडेशन नहीं देना, बट बहुत ध्यान से देखना, इनके लिए जो रूल है वो आपके लिए नहीं मेरे बच्चे। आपके लिए रूल कौन सा होगा, ये रूल बिल्कुल वही होगा जो आपका यहां पे फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए था। मतलब आपका सीधे क्या करना चाहिए, फाउंडेशन एग्जाम हो गया, आप सीए के लिए इंटर में रजिस्टर्ड करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना उसका डेट मैंने आपको बताया है, फिर अपीयर करेंगे 1-2 का, और फिर इस तरीके से, मतलब ट्रेनिंग आपको पहले नहीं करना, आपको प्रोसेस में करना जैसे आपका होता है। सिर्फ इनके लिए इस तरीके का रूल निकाला, इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों किया हमें भी ठीक से नहीं पता वो ऐसा क्यों किया, बट कुछ ना कुछ सोचे होंगे, बड़ी बात सोचे होंगे तभी ऐसा किए होंगे। लेकिन आपके लिए बिल्कुल वही प्रोसेस जो यहां चल रहा है, बस फाउंडेशन आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए इस तरीके से काम चलेगा, पेपर आपका वही है, फीस वही है, रजिस्ट्रेशन डेट आपको वही है। बात समझ में आ गई सर? हाँ। अब सवाल उठता है कि सर क्या सीए इंटर में ग्रुप 1 दूं, 2 दूं या दोनों दूं, और इसके क्या घाटे फायदे हैं? मेरे बच्चे इस पे आने के पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि इंटर लेवल में जो पासिंग परसेंटेज है वो किस तरीके से, मतलब क्या पास करने का तरीका है, फिर आप खुद एनालिसिस करना क्या आपके लिए अच्छा होगा। मैं इसको मिटा देता हूं, मुझे अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। ये देखो आप, मैं इसको भी हटा दूं क्योंकि ये चीज बता दिया, ये तो आपके दिमाग में बस एक नॉलेज देना चाहता हूं कि आखिर ये काम कैसे होता है। ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, है क्या कि ये सारे पेपर जो है वो 100 मार्क्स के, 100 100, ये भी आपका 100 और ये भी आपका 100, ये सारे 100। कहते कि पास होने के लिए इंडिविजुअली आपको 40 मार्क्स लेकर आने हैं, मतलब 40% इन ईच सब्जेक्ट, चारों ही सब्जेक्ट में आपका क्या होगा 40 40 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहां भी जैसे फाउंडेशन में था कि एग्रीगेट जो आपका होगा वो 50% यानी कि 200 मार्क्स होना चाहिए, 50%। मतलब अगर आपका किसी में 40 आया, 40 40 40, तो चारों में इंडिविजुअली पास हो लेकिन एग्रीगेट आपका कम से कम 200 होना चाहिए,
मतलब ऐसा कि अगर 40 40 40 आया और यहां पे मान लो आपका 160 बना, तो इंडिविजुअली तो पास हो लेकिन एग्रीगेट आपका 50% नहीं बना, आप फेल हो गए। उसी तरीके से मेरे बच्चे, अगर यहां पे 40 है, यहां पे आपका 50 है, यहां पे मान लो आपका 50 है और यहां पे मान लो आपका 60 है, जरा चेक करो कितना बन गया, 110, 160 और ये 200 आपका। तो अब देखो इंडिविजुअली भी आप पास हो चारों में और आपका 200 बन गया, यानी कि ग्रुप आपका निकल गया। तो दो बातें हैं, 40% होना चाहिए और साथ ही साथ आपका यहाँ पे एग्रीगेट 50% होना चाहिए। बात समझ में आ गई सर? हाँ, एक चीज और सुनो, मान लो भगवान ना करे कि अकाउंट्स में आपके, मतलब यहां तो भगवान करे कि अकाउंट्स में पढ़ाता हूं इसलिए मैं, भगवान करेगा क्या होगा ही होगा कि यहां पे आपके 90 आ गए, समझ रहे हो, 90 मार्क्स आ गए यहां पे। सर आते आते मेरे बच्चे बहुत इजी पेपर है, सब जगह वही है कॉन्सेप्ट, आप पढ़ो ना ठीक से, देखो ना कैसे मार्क्स आएंगे। मान लो आपके यहां पे क्या है जी, 50 आ गए, मान लो यहां पे आपके 40 आ गए और यहां पे मान लो भगवान ना करे, भगवान ना करे आपके 39 आ गए, भगवान ना करे क्योंकि जब मेहनत करेंगे तो क्यों आएंगे, बट मान लो आ गए, तो चलो बताओ ये कितना हुआ। क्या देखना फायदा, आप यहां पे फेल हो गए ना, क्योंकि 40 मार्क्स नहीं आया तो आप ग्रुप फेल हो गया। यानी कि पास होने के लिए इंडिविजुअली चारों में पास होना जरूरी है और एग्रीगेट जो आपका है ना 200, जरा बताओ 200 बना क्या सर? हाँ, ये 219 बन गया। तो मेरे बच्चे 50% से आप ज्यादा लेकर आए, बट क्योंकि यहां पे 40 या उससे ज्यादा नहीं आया तो ग्रुप आपका फेल हो गया, ये ग्रुप फेल हो गया, ठीक है ना। तो दो बातें हैं कि एक तो इस सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40% और एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या, ध्यान देना कि आप इस पर देखो आपका क्या हुआ पेपर यहां पे, मतलब आप इसको ग्रुप में क्या बोले जाओगे जी, ग्रुप आपका यहां पे फेल हो गया मेरे बच्चे, फेल हो गया। लेकिन इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा अच्छा काम आपके लिए किया है, कहते हैं कि फेल हो गए ठीक है, लेकिन इन चार पेपर में अगर किसी भी पेपर में, किसी भी पेपर में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आया है तो वो पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब आप देखो ना, इसमें आप ग्रुप फेल थे ना सर? हाँ। तो यहां देखो ये जो मार्क्स आपका आया है वो 60 या उससे ज्यादा आया है, मतलब 90 मार्क्स आपके निकल के आया है, 90 मार्क्स पर बच्चे, यानी कि ये जो पेपर है वो आपका एग्जेम्प्ट हो गया है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि अगली बार अब आपको ये पेपर नहीं देना। फिर क्या करेंगे सर? फिर आपको बस तीन पेपर आपको देने हैं और आपको क्या करना है, बस ये तीन पेपर दोबारा देना है, ये मार्क्स एज इट इज अगली बार कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अगली बार क्या हुआ कि मतलब नेक्स्ट एग्जाम में ये 90 मार्क्स आपका ऐसे ही काउंट किया जाएगा। मान लो आप यहां पे 50 लाए, यहां पे 40 लाए और यहां पे 40 लाए, तो जरा बताओ अब कितना हो गया, कितना हो गया, 220 है ना, तो ये 220। यानी कि अब देखो जरा अगली बार इंडिविजुअली सब में पास, ये तो पहले पास हो गए थे, यहां भी पास और आपका यहां पे क्या जी 200 से ज्यादा बन गया मेरे बच्चे, आपका ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल गया। यानी कि अगर किसी एग्जाम में भगवान ना करे कि अगर मैं फेल हो जाता हूं, लेकिन उसमें किसी भी सब्जेक्ट में, एक में, दो में, तीन में, किसी भी तीन सब्जेक्ट में, दो में या एक में, अगर 60 या उससे ज्यादा, रिपीट करता हूं, 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो वो आपका अगली बार एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर क्या ये जन्म जन्म के लिए एग्जेम्प्ट रहेगा? ना मेरे बच्चे, ये एग्जेम्प्शन जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक आपको सिर्फ मिलेगा। यानी कि ये जो आप 90 मार्क्स लेकर आए, 60 या उससे ज्यादा, अगले 3 अटेम्प्ट तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसके बाद नहीं, फिर ये खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सर? जो एग्जेम्प्ट हो गया 90, मान लो हमें लगता है कि 90 कम मार्क्स है और मैं अगले बार उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि फिर से एग्जाम दूं, सर दे सकता हूं, दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर लगता है कि कम मार्क्स है तो ठीक है जी, अगली बार फिर से पेपर देना, लेकिन जनरली ऐसी बेवकूफी नहीं किया जाता, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम है जिसमें हम 60 या उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आ चुके हैं, हम दोबारा एग्जाम देने का ऐसा बेवकूफी नहीं करते, कोई नहीं करता जनरली, कोई होगा दो चार बहुत, मतलब 3 डेट्स वाले तो शायद कर जाए, लेकिन समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूं ना, नहीं करते। तो ये आपका निकल गया। सेम कंडीशन यहां भी मेरे बच्चे, सेम यहां पे भी है कि हर एक में 40 40 लाना होगा, एग्रीगेट 50 आपका, और किसी में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आया तो वो एग्जेम्प्ट आपका हो जाएगा। इनके लिए भी आपका ये निकल गया। सर एक ग्रुप दूं,
या दोनों ग्रुप दूं? सर ये बताओ ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं कि अगर आप ये जो चीज पूछ रहे हो मुझसे आपके, सर एक ग्रुप देना ठीक है, दोनों देना ठीक है, या फिर क्या करें हम लोग, या कौन सा ग्रुप पहले दे, ये सेल्फ एनालिसिस करने की चीजें हैं। सेल्फ एनालिसिस, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम है कि दोनों ग्रुप में तैयारी कर सकता हूं, तो आप तैयारी कीजिए प्लान्ड वे में। सर ये प्लान कौन तय करेगा? आपको करना पड़ेगा अपने आप कि क्या 8 पेपर जो 8 पेपर्स हैं उनका बर्डन क्या मैं ले सकता हूं, क्या मैं उसकी तैयारी कर सकता हूं, क्या मैं काम कर सकता हूं। अगर हां तो फिर आप कीजिए। याद रखना, रैंक आपको तभी मिलता है कोर्स में जब आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं। अगर आपने एक ग्रुप एक बार में निकाला, दूसरे ग्रुप एक बार में निकाला, तो आपका 90% भी आ जाएगा, रैंक आपको नहीं मिलेगा। रैंक को लेने के लिए दोनों ही ग्रुप को एक साथ देना जरूरी है, तभी आपको रैंक मिलेगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा हुआ है कि सीए किसी जोश का काम नहीं है। जोश में आके नहीं, जी मैं तो दुनिया को दिखाऊंगा, फर्स्ट रैंक लेकर आऊंगा, दोनों ग्रुप दूंगा, ये जोश का काम नहीं है। आप सेल्फ एनालिसिस करो कि मेरी स्टेमिना क्या है, मेरी कैपेसिटी कितनी है, क्या ये स्ट्रेस दोनों पेपर दोनों का क्या मैं ले सकता हूं, तो फिर आप लीजिए। जनरली मैं बताऊं, अगर मैं मुझसे बात करो, एक फाउंडेशन लेवल का जो बच्चा होता है 12th क्लास के बाद, मेरे बच्चे मैं आपको मतलब अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा, एक अपना व्यू दे रहा हूं, 12th क्लास के बाद जो बच्चा फाउंडेशन करके आया हुआ है उसका माइंड इतना मेच्योर्ड नहीं होता कि दोनों ग्रुप एक साथ दे दे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 90% बच्चों की बात कर रहा हूं, 100% बच्चों की बात नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं जी मेरे अंदर स्टेमिना है, मेरे अंदर कैपेसिटी है, मेरे अंदर स्ट्रेस झेलने की शक्ति है और मैं दोनों ग्रुप दे सकता हूं, आप दो ना, आप दोनों ग्रुप दो, निकाल लो एक साथ, क्या जाता उसके अंदर में। लेकिन यहां पे बहुत प्लान्ड वे में हमें बढ़ना होगा। अगर हमें लगता है कि नहीं यार मैं दोनों ग्रुप एक साथ नहीं दे सकता, तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, यहां पे एक ग्रुप दीजिए, दूसरा ग्रुप दीजिए और आप निकाले इसके अंदर में। जोश नहीं, होश से काम करेंगे। दुनिया क्या कर रही है, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, वो दोनों ग्रुप दे रहा है, 5 ग्रुप दे रहा है, मैं भी नहीं देना, 6-6 अटेम्प्ट 7-7 अटेम्प्ट से बच्चे फेल हो रहे हैं, बट एग्जाम दोनों ग्रुप देना, नहीं देना मुझे, बहुत इत्मीनान तरीके से मुझे निकालना है। 4 पेपर का बर्डन और 8 पेपर का बर्डन डबल बर्डन होता है। और एक नया बच्चा जो अभी 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 खिला है, फाउंडेशन का मतलब क्या, अभी आप खेल के अभी आए हो, जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं उनको दोनों ग्रुप देने में कोई टेंशन नहीं है, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन में सब कुछ ही पढ़ चुके मेरे बच्चे, उनको जब पता है कि जिन सब्जेक्ट्स का नाम मैंने लिखा हुआ है, अगर वो ग्रेजुएट है कॉमर्स से या फिर आपका ये सीएस या सीएमए आपका इंटर क्वालिफाइड है, वो सब कुछ पढ़ चुके हैं, उनको तो दोनों ग्रुप ही देना चाहिए साथ में, मैं कहता हूं, सजेशन है, करना आपकी मर्जी। लेकिन जो फाउंडेशन से बच्चे आ रहे हैं उनको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। दुनिया कर रही है जोश में, हमें काम नहीं करना, हम बहुत तरीके से करेंगे, क्योंकि सीए क्वालिफाई करना है, ना कि दोनों ग्रुप क्वालिफाई करना है, ये अलग अलग बातें हैं। सीए क्वालिफाई करना, डिग्री अपने साथ जोड़ना एक अलग बात है, दोनों ग्रुप निकाल देना एक अलग बात है। तो आपको जज करना होगा बेस्ट आपके लिए क्या है, या कोई आपको गाइडेंस नहीं दे सकता, बच्चे कोई सजेशन नहीं दे सकता, जजमेंट आपका। हाँ, दोनों ग्रुप देने का एक और फायदा है, फायदा गिना रहा हूं, यानी कि यही करना है, फायदा गिना रहा हूं, सुनो जरा, दोनों ग्रुप देने का फायदा क्या है। मैं इसको हटाता हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं दोनों ग्रुप देने का फायदा। ये देखो, ये कितने मार्क्स का पेपर है जी, ये भी 100 का है, मैं ब्लैक से लिखूंगा। ये कितने मार्क्स का पेपर है, ये भी आपका 100 मार्क्स का है। ये कितने मार्क्स का है, अगेन 100। ये कितने का, 100। ये कितने का, 100। कितने 100 हो गए, सॉरी एक ही चीज बार बार यहां दिखा रहा हूं, माफ कीजिए, ये 100 और ये कितने का हो गया, 100 मार्क्स का। जरा देखो दोनों ग्रुप देने का एक और फायदा, अगर मान लो यहां हमारा 40 40 40, मैं यहां क्यों 40 मानू, चलो कोई बात है, समझा रहा हूं, एक्चुअली अकाउंटिंग में 40 आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, मान लो यहां पे आपका 40 40 40 एंड 40 आया मेरे बच्चे, और यहां मान लो आपके आ गए सपोज की 50, मैं ले लेता हूं 55, यहां पे मान लो आपका 95, फिर 95 यहां लूंगा 95, और मान लो यहां पे आ गया 40, मान लो, एक बात कर रहा हूं कि अगर ऐसे आए, एक बार चेक करना क्या हुआ, ये देखो आप ध्यान देना मैं क्या बताना चाहता हूं, मार्क्स मत जाओ कितना लिखा, दिमाग पे लेकर आओ, स्ट्रेटजी बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। 40 40 40 40 कितना बन गया, 160। इसको ऐड करना, 95
प्लस 55 प्लस 95 और प्लस 40, ये कितना बन गया 285। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों ग्रुप हमने अलग अलग दिया होता, अलग अलग, तो यहां पे इंडिविजुअली मैं पास हूं बट एग्रीगेट में फेल हूं, ये ग्रुप में फेल हो गया। अगर मैं अलग अलग दिया रहता तो यहां पे मैं इंडिविजुअली पास हूं और एग्रीगेट में भी पास हूं, ये मेरा निकल गया। लेकिन अगर दोनों ग्रुप एक साथ मैंने दिया, दोनों ग्रुप एक साथ दिया, तो ये देखो इंडिविजुअली बताओ कि क्या आपने आठों पेपर में पास हो, क्या ऑल पेपर्स में पास हो? सर हां पास है। क्या एग्रीगेट आपका ये और ये मिलकर, मतलब 4 और 4 दोनों मिला के कितना बन रहा है जी? 285 प्लस 160, ये कितना हो गया? 445। मेरे बच्चे, अगर दोनों ग्रुप आपने एक साथ दिया हुआ है तो उस केस में दोनों का मिला के चेक किया जाएगा कि क्या 50% बना कि नहीं बना। तो देखो ये आपका कितना जी, 2 और 2 400 मार्क्स अगर आएगा तो 50% आपका बन जाएगा, 50%, क्योंकि आपका 445 आया है, मतलब 50% से ज्यादा। तो उस केस में दोनों ग्रुप पास कर गए। समझ मेरी बात, यहां क्या बोल रहा हूं? 40 40 40 40 इंडिविजुअली एक ग्रुप में मैं फेल था क्योंकि 160 आया था, लेकिन अगर दोनों ग्रुप एक साथ देंगे तो दोनों ग्रुप मिला के आपका 50% बन गया, इसका मतलब कि दोनों ग्रुप में पास कर गया। तो ये एक और फायदा आपका है, एक और फायदा मेरे बच्चे ऐसा आपका निकल के आया कि जब दोनों ग्रुप हम देंगे तो हम दोनों ग्रुप मिलाकर भी, दोनों मिलाकर भी अगर 50% बन जाएगा तो ये ग्रुप मेरा निकल जाएगा। कई सारे बच्चों के ऐसे निकलते भी हैं, इसलिए ये भी आपको हेल्प करेगा आपकी स्ट्रेटजी में तय करने में। एक चीज और एग्जाम्पल में दिखा दूं, मैं एक और एग्जाम्पल आपको यहां दिखा दूं कि मान लो आपका यहां पे 40 40 40 और यहां पे 39 आ गया, 39 ठीक है ना, और यहां पे आपका रह गया जी कितना, मान लो 41 आपका। तो टोटल आप जरा देखो कि क्या इस ग्रुप में पास हुए? सर यहां पे तो मैं यहां पे फेल हो गया, ये फेल हो गया। अच्छा पहले बताओ चारों का मिला के कितना हो गया? 485, यानी कि 50% से ज्यादा मार्क्स आपका, 50% मेरे बच्चे, 50% से ज्यादा तो आया, यानी कि कलेक्टिवली आप यहां पे क्या हो जी, पास हो, लेकिन इस ग्रुप में आप फेल हो गए क्योंकि मिनिमम उस ग्रुप में हर एक पेपर में 40 मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि 39 है अभी फेल कर गए। तो बस ये ग्रुप आपका फिर क्या हुआ, निकल गया, सिर्फ ये ग्रुप पास माना जाएगा। कहने का मतलब है कि 50% वाला जो क्राइटेरिया होगा वो ग्रुप वन का अलग, ग्रुप टू का अलग, और इकट्ठा भी चेक किया जाएगा, यानी कि दोनों मिला के बन गया तो भी आप दोनों में पास कर जाएंगे, इवन दो किसी एक ग्रुप में उतने मार्क्स नहीं बनते। बस कंडीशन क्या है कि 40 उसे आपका ज्यादा होना चाहिए इंडिविजुअली आपका। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये बताया कि किस तरीके से क्या पैटर्न हो। मैं फिर से कहता हूं, वन ग्रुप देना है, टू ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप देना है, आप जजमेंट करो। लेकिन जो बच्चे ये हैं, ये बच्चे वो जनरली दोनों ग्रुप साथ दे, क्योंकि पहले से बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। फाउंडेशन वाले बच्चे को बहुत एनालिसिस करना जरूरी है स्टार्टिंग में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहली बार सब कुछ पढ़ेंगे और इनडेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, बहुत फास्ट नहीं भाग सकते। ऐसा ना हो कि हमने जोश में दोनों ग्रुप ऑप्ट कर लिया और एंड में पता चलता कि यार मैं तो एक ग्रुप नहीं, वो भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तैयारी नहीं हो पाया किसी ग्रुप का, ऐसा ना हो। एक बात और बताता हूं, अगर आप इंटर के दोनों ग्रुप भी तैयारी करना चाहते हो, दोनों ग्रुप भी, तो बेस्ट क्या होता ना, किसी एक ग्रुप को पहले पकड़ो और उस एक ग्रुप में पहले बहुत जल्दी अच्छी मास्टरी कर लो, ताकि फर्स्ट ग्रुप की तैयारी पूरी होगी, फिर सेकंड ग्रुप की तैयारी स्टार्ट करो। अब फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन होगा, सेकंड ग्रुप की आपकी तैयारी होगी, ये बेस्ट तरीका होता है। बाकी जजमेंट आपने खुद करना मेरे बच्चे, जो चीजें हम लोगों ने अपनी लाइफ में फेस की थी, जो एक्सपीरियंस गेन किया था, उन चीजों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी मुझे कुछ दिखा नहीं, इसके बाद जब आप फाइनल में आते हैं वहां भी आपकी कई चीजें होती है, वो तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चे यहीं तक परेशान होते हैं कि कैसे क्या करना, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे पासिंग क्या है, वो फिर तो फाइनल में आप अपने आप मस्त हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। चलिए मैंने आपको क्या किया कि हमारे जो सीए में आपका जो तरीके होते हैं आपके बढ़ने के, वो आपका फाउंडेशन लेवल हो चाहे इंटर लेवल हो, उसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कशन किया। अगले सीरीज में बच्चे हम लोग सीएमए का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि उसका फाउंडेशन, उसका इंटर, उसका फाइनल में क्या तरीका है, कैसे काम करना है, कैसे
आपका ऑप्ट करना है, कितने समय का है, वो डिस्कशन अगले सीरीज में होगा। तब तक आप सबको बहुत आपका अच्छा गुड लक मैं विश कर रहा हूँ। और आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, यानी कि आपको एक जजमेंट लेना होगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप बहुत बेहतर जजमेंट लें अपने आप को सामने रख के, न कि दुनिया को देखते हुए, न दोस्त को देखते हुए, न पापा मम्मी को देखते हुए, न पापा मम्मी के सपने पूरे करने, न किसी के, बस हमें सीए बनना है। कौन सा तरीका मेरे लिए बेस्ट होगा, आप उसको सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। चलो बच्चे, इसी बेस्ट विशेष के साथ आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।